तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में। हम आ गए हैं पार्ट 7 पे और ये 20 वीडियोस की सीरीज है। एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि इन वीडियोस में हम करते ये हैं कि 8 से 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो कि आपके एफओ मेंस एग्जाम में काम आ सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सो दैट उससे रिलेटेड 4-5 और क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं, उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, और अगर कोई भी मिलता जुलता सवाल आए तो आप उसको आंसर कर। सो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप कात्यायन शुंडा कांतवा जैसी कुछ किताब पढ़ के या शर्मा पढ़ के और ऐसे कुछ वीडियोस देख के एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आपको करना ये है कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करनी है, आपने मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट्स देखनी है, आपको रिसेंट डेटा पता होना चाहिए, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पता होनी चाहिए क्योंकि रूरल डेवलपमेंट का भी एक बड़ा पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है, और ये सबको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक फुल फ्लेश्ड कोर्स भी खरीद सकते हैं जो ग्रेड अपोरा एग्जाम भी ने बनाया है, और इस कोर्स की डिटेल्स ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, लाइव सेशंस हैं, बहुत सारे रेडी पीडीएफ्स हैं और छोटे छोटे वीडियोज हैं जिनके आफ्टर में क्या होता है कि सीसीक्यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस। अगर आपने वीडियो देखा 10 से 12 मिनट का तो उसके बाद वो वीडियो आपको कितना समझ आया ये देखने के लिए आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोर्स का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव, सो इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव नहीं है, मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है, विनेगर, सॉल्ट, शुगर और सिट्रिक एसिड थे ऑप्शन, सिट्रिक एसिड इनमें से प्रिजर्वेटिव नहीं है। राइट आंसर सिट्रिक एसिड। और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। सो दो तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एक होते हैं क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स और दूसरे होते हैं क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स। सो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स में आते हैं हमारे चीनी यानी शुगर, सॉल्ट, ऑयल, हनी, मतलब ये नेचुरल चीजें, और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स में आते हैं हमारे KMS सोडियम बेंजोएट। सो जो आर्टिफिशियल होते हैं ये आते हैं क्लास 2 में, और जो नेचुरल होते हैं ये सारे आते हैं क्लास 1 में। इसका डिटेल आपको यहाँ पर से पढ़ लीजिए आप। तो जैसे सॉल्ट, विनेगर, यहाँ विनेगर भी आता है इसमें। सो ये हो गया आपके प्रिजर्वेटिव्स। आगे बढ़ते हैं, एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर ऑफ कैंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इज, सो यहाँ पर एक बात आ गई कैंड फ्रूट्स, मतलब कैनिंग, यहाँ पर कैनिंग की बात आ गई। सो कैनिंग एक प्रोसेस होता है प्रिजर्वेशन का, आप जानते ही हैं कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को काट के छील के उनको कैंस में पैक कर दिया जाता है जिससे कि वो सील्ड रहें और जल्दी खराब ना हो, उनका मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए कैन किया जाता है। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैनिंग की खोज किसने की थी या कैनिंग किसने डेवलप की थी, वो थे निकोलस एपाल्ट। तो क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है, निकोलस एपाल्ट ने कैनिंग डेवलप की थी और कब करी थी, 1809 में। ये जो निकोलस एपाल्ट थे फ्रांस के थे, और कैनिंग, ये जो एग्जॉस्टिंग और कैनिंग है ये पूरा आपको प्रोसेस समझा देता हूं एक ब्लैंक शीट पे। सो कैनिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें होता ये है कि पहले आपने कोई फ्रूट या वेजिटेबल वो हार्वेस्ट करते हैं उसको, मतलब खेत से उसे तोड़ लिया, देन उसकी ग्रेडिंग करते हैं कि उसमें से अलग अलग साइज में उसको ग्रेड करते हैं, और जो खराब हमारा फ्रूट होता है या वेजिटेबल होता है उसको निकाल के अलग फेंक देते हैं, उसको अलग वेस्ट में हम डाल लेते हैं जो भी यूज हो आगे उसका। देन ग्रेडिंग के बाद होती है वॉशिंग, उसको धोया जाता है, वॉशिंग के बाद होती है उसकी पीलिंग, मतलब उसका छिलका उतारना, और उसकी कटिंग या स्लाइसिंग, उसके जो भी हमने कट करना है, स्लाइसेस बनाने जो पैक होंगे उनकी स्लाइसिंग की जाती है, देन ब्लांचिंग की जाती है। ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूं ये है कैनिंग का प्रोसेस, तो मैं ऊपर लिख देता हूं कैनिंग प्रोसेस। सो कैनिंग में क्या क्या होता है ये बताएंगे हम। देन ब्लांचिंग होता क्या है, ब्लांचिंग एक ऑपरेशन होता है कि गर्म पानी और नमक यूज करते हैं इसमें, कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है, और उसके जो नेचुरल अपने आप किसी चीज की खराब होने की प्रवृत्ति होती है वो खत्म हो जाती है। सो ब्लांचिंग की जाती है एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए, और ब्लांचिंग के बाद होती है फिलिंग, मतलब जब हमने ब्लांचिंग कर दी तो उसको फिर अपने कैंस में भर दिया, कैंस के अंदर उनको फिलिंग कर ली। इसके बाद है दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, एक होती है सीलिंग, मतलब कैन को सील करना है, और ये कैसी सीलिंग होती है, हर्मेटिकली सील्ड होता है, हर्मेटिक सीलिंग। सो हर्मेटिक सीलिंग ये होती है, हर्मेटिक मतलब होता है एयर टाइट सीलिंग की जाती है इसकी। देन उसके बाद क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जिसे बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, और स्टेरिलाइजेशन की बात की जाती है कूलिंग की बात की जाती है लेबलिंग। सो ये होगी पूरी प्रोसेस। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, एग्जॉस्टिंग जो होती है वो होती है
फिलिंग के बाद। सो फिलिंग के बाद क्या किया जाता है कि उसका टेम्परेचर उसको 80 to 82 डिग्री सेल्सियस पे ले जाया जाता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर जो एयर होती है बची हुई एयर, क्या होता है जब हम कैन के अंदर कोई भी चीज भरते हैं तो उसे अप टू ब्रिम नहीं भरते हैं, थोड़ा सी जगह रह जाती है और इस जगह में ऑक्सीजन होती है। सो ये ऑक्सीजन क्या कर सकती है, लेटर ऑन जब हम इसको सील बंद कर देंगे तो उसके बाद ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडाइज कर सकती है, ये हमारे प्रोडक्ट को खराब कर सकती है। तो इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए फिलिंग के बाद उसको गर्म किया जाता है, और एग्जॉस्टिंग मतलब हम चाहते हैं कि उसमें से ऑक्सीजन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए। सो ये एग्जॉस्टिंग होती है यहाँ पे, एग्जॉस्टिंग का मतलब हमने ऑक्सीजन को उसमें से बाहर निकालना है ताकि हमारी जो भी अंदर प्रोडक्ट है वो जल्दी खराब ना हो, उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ना कर सके। सो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो ये जो एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होती है 80 to 82 डिग्री सेल्सियस पे होती है। यही हमारा क्वेश्चन था कि एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर कितना होता है कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, तो राइट आंसर है 80 to 82 डिग्री सेल्सियस। और एग्जॉस्टिंग क्या होता है यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। कैनिंग के प्रोसेस में पहले हमने क्रॉप को हार्वेस्ट किया, देन ग्रेड किया, वॉश किया, छील के उसका स्लाइसेस में काट लिया, फिर ब्लांचिंग करी ताकि एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाए, उसको कैन्स में भर दिया, देन उसकी एग्जॉस्टिंग कर दी जिससे कि उसके अंदर की बची हुई ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, देन उसको सील कर दिया एंड देन स्टेरिलाइज कर दिया पूरे कैन को, और देन कूलिंग और लेबलिंग हो जाती है। ये होती है कैनिंग की प्रोसेस, जैसे निकोलस अपार्ट ने खोजा था या उसको डेवलप किया था और 1809 में करा था। निकोलस अपार्ट फ्रांस के थे। आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफिस ऑफ एनएचबी इज, सो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसका हेड ऑफिस है यहाँ पहले से आंसर मार्क हरियाणा, हरियाणा में कहा है गुरुग्राम में। सो गुरुग्राम हरियाणा में एनएचबी का ऑफिस है। और एनएचबी के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। सो एनएचबी कब डेवलप हुआ था या कब एनएचबी कब बनाया गया था, 1984 में। सो 1984 में एनएचबी की स्थापना हुई थी। और एनएचबी क्या करता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, तो ये हॉर्टिकल्चर को उसकी प्रोसेसिंग को और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारे को कंट्रोल करता है। या हॉर्टिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। सो एनएचबी का स्थापना 1984 में हुई थी, ये गुरुग्राम हरियाणा में सिचुएटेड है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोशियस वेजिटेबल, सो आंसर पहले से मार्क्स है पॉइंटेड गार्ड। सो अब डायोशियस क्या होता है, वैसे तो बहुत सारी सेक्स फॉर्म्स होती हैं पर आपको मेन दो होती है, मोनोशियस और डायोशियस। इन्हें मैं अंतर बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, मोनोशियस और डायोशियस जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ये दो सेक्स फॉर्म्स हैं। होता क्या है, जो मोनोशियस प्लांट होता है उसमें होता यह कि एक प्लांट होगा उसमें बोथ मेल और फीमेल फ्लावर आएंगे, मतलब दो तरह के फ्लावर आते हैं एक प्लांट में। और मेजोरिटी ऑफ कुकुरबिट्स में ये ऐसा ही होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ मेल फ्लावर आते हैं कुछ फीमेल फ्लावर होते हैं। मेल फ्लावर यूज होते हैं पॉलिनेट करने के लिए और फीमेल फ्लावर से फ्रूट डेवलप होता है। जबकि डायोशियस में क्या होता है, डायोशियस वेजिटेबल या डायोशियस प्लांट्स में ये होता है कि मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। सो मेल प्लांट जो है एज अ पॉलिनाइजर काम करता है, एज अ पॉलिनाइजर काम करता है और ये पॉलिनेशन के काम में आता है। सो जब भी हम कोई डायोशियस वेजिटेबल प्लांट करते हैं तो उसमें मेल टू फीमेल रेशियो मेंटेन रहना चाहिए ताकि पॉलिनेशन होता रहे और फ्रूट डेवलपमेंट अच्छा हो। सो मेजोरिटी ऑफ जो ये हमारे कुकुरबिट्स होते हैं ये सारे मोनोशियस ही होते हैं अधिकतर, और इनमें से ये पॉइंटेड गार्ड जो ये डायोशियस होता है। सो ये आपको यहाँ पे लिखित रूप में मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लैक हार्ट इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, सो ब्लैक हार्ट जो है ये आलू का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और ये कैसे होता है आपको बता देता हूँ। जब किसी कॉम्पैक्ट सॉइल में आलू लगाया जाता है या सॉइल की प्रॉपर टिलेज नहीं होती, वो सॉइल टाइट होती है, कॉम्पैक्ट होती है, तो उस केस में क्या होता है, जो सॉइल के अंदर आलू होते हैं उन्हें प्रॉपरली फैलने की जगह नहीं मिलती, मतलब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती और उन्हें फैलने की जगह भी नहीं मिल रही होती, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इनके अंदर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। तो जब इनको काटते तो अंदर काले धब्बे, आपने कई बार देखे होंगे कि बड़े बड़े जो आलू होते हैं बड़े साइज के, उनको जब काटा जाता है तो अंदर से काले धब्बे दिखाई देते हैं। सो ब्लैक हार्ट डिसऑर्डर है, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिस जो कैसे होता है ऑक्सीजन की कमी से, और ऑक्सीजन की कमी तब हो जाती है जब ये टाइट हो जाती है, इसके आसपास की मिट्टी बहुत टाइट होती है जमीन में। यह है इसका पिक्चर। सो ये आलू को जब आप काटेंगे तो अंदर से ऐसे काले धब्बे दिखाई देंगे आपको। ये हमारी हेल्थ के लिए ऐसे कोई नुकसानदायक नहीं होते, हम इसे काट के अलग कर सकते हैं, बट ये आलू की क्वालिटी को खराब करते हैं, जैसे कि चिप्स मेकिंग वगैरह जो कंपनीज होती हैं वो
ऐसे आलुओं को रिजेक्ट कर देती हैं। सो इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो लैक ऑफ ऑक्सीजन से होता है। सो क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लैक हार्ट होता कैसे, तो आपको आंसर मिल गया लैक ऑफ ऑक्सीजन। डार्क नेक्रोटिक कैविटीज बन जाती हैं, ठीक है आप देख रहे हैं कैविटीज बन जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है, ट्यूब ये लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की वजह से होता है और कॉम्पैक्ट सॉइल्स में होता है, ये आप जान ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय, सो ये ब्लैक टिप ऑफ मैंगो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ब्लैक टिप क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है मैंगो का। और इसमें होता क्या है, अभी आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, उससे पहले समझा देता हूँ। अगर ये मैंगो है तो इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये पहले ग्रीन होगा, हार्ड होगा, ये वाला पार्ट हार्ड हो जाता है और यहाँ देन ये धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाता है। और एक बार जब ब्लैक हो गया तो उसके बाद ये आम की ग्रोथ ही रुक जाती है, उसके बाद वो कच्चा का कच्चा ही रह जाएगा, जिस स्टेज में वहां का वहीं रह जाएगा। सो इससे एक्सपोर्ट क्वालिटी, मार्केट क्वालिटी, सारी क्वालिटी आम की खराब होती है और ये बहुत मेजर डिसऑर्डर है। मेजरली ये दशहरी मैंगो में दिखाई देता है, सबसे ज्यादा दशहरी मैंगो में होता है। और इसके जो कारण वो होता है कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है जब। और ऐसा होता है, देखा गया है कि जैसे जो ईंट के भट्टे होते हैं, जो ईंट जहाँ पे बनती है उनके पास में जो आम के बगीचे होते हैं वहां ये डिसऑर्डर ज्यादा होता है, क्योंकि इन ईंट के भट्टों से जो ये गैसेस निकलती हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे ये पौधे प्रभावित होते हैं। और इसके लिए कहा गया है कि मिनिमम 32 मीटर जो है इसकी हाइट होनी चाहिए ईंट की भट्टे की चिमनी की। और इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे होता है और क्या क्या होता है। और इसकी पिक्चर आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, आपने बहुत कॉमनली देखा होगा मार्केट में भी कई बार ऐसे ब्लैक टिप वाले मैंगो आते हैं जो थोड़ी सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। सो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हालांकि ये खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको इससे ऐसी कोई बीमारी वाली बात नहीं है, आप इसे काट के अलग कर सकते हैं, खाने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये इसकी मार्केट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी को खराब करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाउल कॉलरा डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय, सो फाउल कॉलरा डिजीज पोल्ट्री होती कैसे है, पहले ही आंसर मैंने मार्क कर दिया, बैक्टीरिया से होती है। और ये फाउल कॉलरा डिजीज होती है, इसमें होता क्या क्या, आपको इसके सिम्टम्स बता देता हूँ। सो इसके सिम्टम्स है, डायरिया हो जाता है, जो पोल्ट्री है, जो चिकन है, उनको डायरिया हो जाता है, खांसी हो जाती है, नेजल डिस्चार्ज मतलब नाक बहने लगती है, कमजोरी आ जाती है, और स्वॉलन जॉइंट्स, उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो सूज जाते हैं। सो ये तो हो गए इसके इसके सिम्टम्स। और इसका जो कंट्रोल है, सो कंट्रोल आप समझ लीजिए कि कोई भी बैक्टीरियल डिजीज होगी तो उसके मेन कंट्रोल क्या होंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। सो ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है पोल्ट्री से रिलेटेड। अगर आपको पोल्ट्री की डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए सो आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, वहां पर हमने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पोल्ट्री के ऊपर, और ऐसे पीडीएफ्स भी हैं जिससे आपका सारा का सारा पोल्ट्री से रिलेटेड कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम उतना सारा कुछ प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, सो आप चाहे तो कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप ये देख लीजिए ये होता किससे है, उस बैक्टीरिया का नाम भी आप जान लीजिए, पास्चुरेला मल्टीसीडा, इस बैक्टीरिया की वजह से फाउल कॉलेरा होता है। और इस जो फाउल कॉलेरा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात, इसको एवियन पास्चुरोलिसिस भी कहते हैं, एवियन पास्चुरोलिसिस या फिर एवियन ह्यूमरेजिक सेप्टिसीमिया, ये नाम भी फाउल कॉलेरा के ही हैं, जो कि पास्चुरेला मल्टीसीडा से होता है और एक बैक्टीरियल पोल्ट्री की डिजीज है। देन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट, सो देखिए कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है, सो टेम्परेट मतलब आप समझ लीजिए, टेम्परेट मतलब बहुत ठंडी जगहों में, एप्पल, पीच, पियर, प्लम, आलमंड वगैरह, जिनकी जो टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनकी रिसर्च के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो एक बात तो क्लियर है कि वो ठंडी जगह में ही होगा। और यहाँ पर ऑप्शंस भी कन्फ्यूजिंग, क्योंकि सारी की सारी आपकी ठंडी जगह है, शिमला, श्रीनगर, नैनीताल, चौबटिया, तो आप याद रख लेंगे CITH जो है वो श्रीनगर में है, और CITH जो है वो टेम्परेट क्रॉप्स के ऊपर काम करता है। और एक और जरूरी बात, CITH का एक रीजनल स्टेशन भी है जो कि मुक्तेश्वर में है, इसका जो मेन स्टेशन है वो तो श्रीनगर में है, और जो एक मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है, यहाँ पर मुक्तेश्वर उत्तराखंड में इसका एक रीजनल स्टेशन भी है, इसकी डिटेल आप पढ़ लीजिए यहाँ पर से। और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। देन लास्ट क्वेश्चन और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटाकोइंग इज एसोसिएटेड विद,
सो मेटोकिंग जो होता है एक बनाना में ऑपरेशन होता है, और मेटोकिंग होता क्या है आपको बहुत मजा आएगा जान के, कि जैसे बनाना का प्लांट आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे स्यूडो स्टेम होते हैं, और हर स्यूडो स्टेम में से एक बनाना का चरखा निकलता है जिसमें बहुत सारे बनाना लगे रहते हैं, एक व्हील या चरखा या क्लॉक इसे जो भी बोल सकते हैं वो निकलता है जिसमें बहुत सारे बनाना लगे रहते हैं। अब क्या होता है कि जब इसमें से हमने बनाना हार्वेस्ट कर ली तो स्यूडो स्टेम किसी काम का नहीं रह जाता, सो फिर ये हमारे लिए बेकार होता, ये जमीन से न्यूट्रिएंट लेता रहेगा, तो इसको हम क्या करते हैं 0.6 मीटर जमीन के ऊपर से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं इसको और छोड़ देते हैं, ऊपर का हिस्सा फेंक देंगे और नीचे वाले हिस्से को ऐसे ही छोड़ देंगे, पूरा जड़ से इसलिए नहीं काटेंगे कि इसका जो न्यूट्रिएंट है 0.6 मीटर वाले हिस्से का वो वापस बैक हो जाता है, नीचे सॉइल में चला जाएगा, और जो इसके अगल बगल वाले सकर्स होंगे, सकर्स मतलब एक्चुअली बनाना का प्लांट ऐसे ही डेवलप होता है कि उसमें ये स्यूडो स्टेम निकलते रहते हैं, फिर नया सकर बगल में अपने आप डेवलप होता है, फिर उसमें से स्यूडो स्टेम निकल, वो बड़ा होकर स्यूडो स्टेम बन जाता है, उसमें चरखा लगता है, और लाइकवाइज सो इसका जो न्यूट्रिशन है वो बगल वाले सकर को मिल जाएगा और वो डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, ये डिजनरेट होकर खत्म हो जाएगा। सो इस स्यूडो स्टेम को काट देना चरखे के हार्वेस्ट के बाद, उसको हम बोलते हैं मेटोकिंग, और ये बनाना में होता है, और ये डिटेल में लिखा हुआ आप यहाँ पर से इसको पढ़ सकते हैं, और ये स्टंप टाइप का छोड़ दिया जाता है 0.6 मीटर का। देन होता क्या है कि इसमें दो बातें और इंपॉर्टेंट लिखी, जो बनाने की दो तरह की कल्टीवार्स होती है, एक तो टॉल कल्टीवार्स, एक होती है शॉर्ट कल्टीवार्स। सो जो टॉल कल्टीवार्स होती हैं वो 15 से 20 टन पर हेक्टेयर तक यील्ड करती हैं, और जो छोटी वाली कल्टीवार्स होती हैं वो 40 टन पर हेक्टेयर तक यील्ड करती हैं, और कुछ हिल बनाना की वैरायटीज होती है जिनकी यील्ड होती है 11 से 15 टन पर हेक्टेयर। सो ये थोड़ा जानकारी के लिए था आपकी। सो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।